हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल का ओनर आपके सामने जो है यमुनानगर वासियों के लिए स्पेशल एक टाइम निकाल के आया हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यमुनानगर वासी हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो को जो है ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो जो है स्पेशल यमुनानगर वासियों के लिए बनने जा रही है। और यदि यमुनानगर से बाहर हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारा जो है हरियाणा का ही चैनल है और हम इसकी शुरुआत यमुनानगर से ही कर रहे हैं। तो यमुनानगर में हम देहात क्षेत्र से जो है अपने न्यूज़ चैनल की शुरुआत हमने लगभग आज से 6-7 महीने पहले लगभग नवंबर में हमने कर दी थी 2022 के अंदर। तो आप सभी का प्यार स्नेह पूरा अच्छे तरीके से कोऑपरेशन आपका मिल रहा है, लेकिन कई लोगों की शिकायत थी, उन शिकायतों की वजह से जो है मैं यहाँ पर आपको अपडेट और आपके सामने आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, आपके फीडबैक जानने के लिए आया हूँ। तो प्लीज़ यमुनानगर के जितने भी वासी हैं, चाहे फिर वो रादौर के हैं या फिर थाना छप्पर के हैं या फिर जगाधरी के हैं या फिर प्रतापनगर खिजराबाद के हैं, बिलासपुर के हैं, सढ़ौरा के हैं, तो रणजीतपुर का इलाका हो चुका है और ये जितना भी सढ़ौरा इलाका है अपना काली आम तक, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और इनको जो है अपने इलाकों के आसपास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमने जो अपना उद्देश्य लिया हुआ है देहात लोगों की समस्याओं को दिखाना सरकार को और आपके मांग मुद्दों को जो है सरकार तक पहुँचाना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को, अगर यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ पर इसे जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों की जो शिकायत थी कि आप हमारे एरिया की जो है अपडेट नहीं देते, भैया आप हमारे एरिया की अपडेट नहीं देते। तो देखिए, हमें किसी से भी कोई पक्षपात नहीं है, हम सभी जनता हमारे लिए एक समान है। तो यदि हमें न्यूज़ अपडेट का पता ही नहीं चलेगा तो हम आपको न्यूज़ अपडेट कैसे दे पाएंगे, कैसे उसको हम जल्द से जल्द कवर कर पाएंगे? ये तो आम जनता ही हमारा नेटवर्क है। तो हम सभी आम जनता से, आम जनमानस से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस नंबर को जो है सेव कर लें, ताकि आपके आसपास की किसी भी प्रकार की कोई घटना, उसको कवरेज कराना चाहते हैं, कोई उत्पीड़न हो रहा है या किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई किसी प्रकार के महकमे के अंदर जो है प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कोई आपको समस्या आ रही है, बिजली पानी सड़क से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो प्लीज़ हमारा नंबर जो है ये सेव कर लीजिए, ताकि हम समय रहते जो है आपकी समस्याओं को जो है सरकार तक पहुंचा सकें और जल्द से जल्द उस पर कार्य जो है सरकार से जो है अपील करके जो है करवा सकें। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस नंबर को जो है ज़रूर सेव कर लें और इस वीडियो को अपने तक ही ना ले जाएं, ताकि क्योंकि देखिए यमुनानगर का अपना चैनल है, अपना आपके एरिया का खुद का चैनल है, देहात क्षेत्र का चैनल है। आपको पता है कि शहर के अंदर तो सभी न्यूज़ रिपोर्टर चले जाते हैं, लेकिन गांव देहात क्षेत्र की जो है खबरें जो है काफ़ी जो है छूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो है जो आम लोगों को जो मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं या उनकी समस्याएं हैं उनको सरकार को सुनाने से वो जो है वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर इसको फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए दर्शकों। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा यमुनानगर बिलासपुर।